So, good evening all. My name is Rahul Saraswat. I'm assistant professor in Mechanical Engineering Department, Government Engineering College, Bikaner. So, this lecture is on computer-aided manufacturing system. In the previous two lecture, we learned about the NC systems. We learned about the function of NC systems. We learned about the CNC systems and its functions. In today's lecture, we'll learn about the DNC system. So the mode of communication for this lecture will be both Hindi and English so that each and everyone can understand the lecture smoothly and clearly. So the outline of the presentation was the introduction of NC machine tool, which was we already discussed in lecture one. The next was introduction to CNC machine tool, which we learned in lecture number two. In this present lecture, we learn about the introduction to DNC machine tools and the difference among NC, CNC and DNC machine tools. So let's move to the lecture. So first of all, what is DNC system? So the DNC is a manufacturing system in which a number of machine are controlled by a computer through direct connection and in real time. सबसे पहले हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि DNC system जो है वो picture में क्यों आए, CNC और NC system से किस तरह से अलग हैं। सपोज़ एक वर्क सेंटर है या शॉप फ्लोर है जहाँ कई सारी मशीन लगी हुई हैं और जहाँ हमें एक मिलिंग ऑपरेशन या एक टर्निंग ऑपरेशन करना है, जिसके लिए कई सारी टर्निंग सीएनसी मशीन्स और सीएनसी मिलिंग मशीन रखी हुई हैं। तो हर एक मशीन के लिए अपना एक अलग कंप्यूटर होगा, उसके लिए एक अपना एक कंट्रोल यूनिट होगी, एक अपना एक अलग मेमोरी सिस्टम होगा। सपोज़ हमें एक ही प्रोग्राम हर मशीन पर रन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर सिस्टम को प्रोग्राम्ड करना होगा, मतलब हमें हर मशीन पर जाना होगा और हमें उस पर प्रोग्राम को रन करना होगा। डीएनसी सिस्टम क्या सहूलियत देता है? डीएनसी सिस्टम में क्या होता है कि एक शॉप फ्लोर पे कई सारे एनसी सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं मेमोरी के साथ और एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ, जिसको सर्वर कंप्यूटर भी बोलते हैं। मीन्स एक सिंगल कंप्यूटर के हेल्प से हम सारी मशीन टूल्स को, मीन्स जो एनसी मशीन टूल्स हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं और उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको प्रोग्राम करके जो मशीन टूल है उनको रन कर सकते हैं। हमें एक पर्टिकुलर मशीन पर जाकर प्रोग्राम को रन कराने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसमें कई सारी मशीन्स को रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम कनेक्टिंग अ सेट ऑफ एनसी मशीन्स टू अ कॉमन मेमोरी फॉर पार्ट प्रोग्राम और मशीन प्रोग्राम स्टोरेज विद प्रोविजन फॉर ऑन डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा टू मशीन्स। जिस मशीन में जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है, थ्रू कम्युनिकेशन लाइन्स हम वो प्रोग्राम, वो डेटा उस मशीन को भेज सकते हैं। द टेप रीडर इज ओमिटेड। जनरली टेप रीडर यहाँ नहीं होता, टेप रीडर हम यहाँ नहीं लगाते हैं। टेप रीडर की जगह किसने ले ली है? बल्क मेमोरी ने। एक हमारे मेमोरी का एक अलग से सेटअप होता है जो कि इंटीग्रेट, जो कि कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? एनसी मशीन्स के थ्रू और हमारे मेन कंप्यूटर के थ्रू। हम मेन कंप्यूटर को ऑर्डर करते हैं कि वो या फिर कम्युनिकेट करते हैं मेन कंप्यूटर को मेमोरी के साथ, जिससे कि मेमोरी में जो प्रोग्राम है वो मशीन में जाके फेड हो जाए। सो इट इन्वॉल्व्स डेटा कनेक्शन एंड प्रोसेसिंग फ्रॉम द मशीन टूल बैक टू द कंप्यूटर। द कंपोनेंट्स ऑफ अ डीएनसी सिस्टम। सो इट हैज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर है ना, विच इज़ यूज टू कमांड, टू गिव कमांड टू ऑल एनसी मशीन्स। सेकेंड इज बल्क मेमोरी विच स्टोर्स द एनसी पार्ट प्रोग्राम। अ बल्क मेमोरी, अ ह्यूज मेमोरी इज यूज टू स्टोर दैट प्रोग्राम बिकॉज वी हैव अ मल्टीपल प्रोग्राम फॉर मल्टीपल मशीन्स। सो वी नीड अ ह्यूज मेमोरी और अ बल्क मेमोरी टू रन अ डीएनसी सिस्टम। थर्ड इज द टेली कम्युनिकेशन लाइन विच इज यूज टू कम्युनिकेट
which is used to communicate with the machine. Suppose if the computer want to communicate with the machine for a particular machine, so that these telecommunication line are used to give the program, to give the order, to feed the program or to communicate with the machines. Or next is the basic element of any system, whether it is a NC system or CNC system or a DNC system, that is machine tools. So this is a basic element which is used in all of three machines, NC, CNC and DNCs. So what is the principle here in this figure? You can see there is a central computer which is connected to the bulk memory NC programs, and the number of machine tools are computed with the central computer, which is further connected with the bulk memory. There is a telecommunication line which is used to communicate in between the central computers and the different machine tools. So here we can control the number of or a multiple machine with the help of a central computer or a server computer, and a program which is fed to the machine can be stored in a bulk memory NC program system. So it is a kind of there is a deal between the NC and CNC machine. तो ये कहीं ना कहीं उसके बीच का पार्ट है. NC मशीन का कुछ अपडेशन है और CNC मशीन से थोड़ा सा ये हटके है. तो ये मशीन वहाँ यूज़फुल होती है जहाँ हमें मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको हमें बनाना है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम सारी मशीन्स पे लगा देंगे और सेंट्रल कंप्यूटर के हेल्प से एक ही प्रोग्राम सारी मशीन को फेड करा सकते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोग्राम किसी भी अलग अलग मशीन्स को अलग अलग प्रोग्राम भी हम फेड करा सकते हैं. सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द मास प्रोडक्शन. So a central computer connected to a number of machine tools and control them. A part program of all machine tools are stored in the memory of the central computer and transmitted on direct transmission line on demand. So it is a real time. So it is a real time control system. Real time control means on demand we can send a particular program to a machine through transmission line in a real time. So there is a two-way information flow take place in real time, means there is a two-way communication in between a machine and the computer, and the various machine tools can communicate with the computer in a real time. Suppose you need a feedback from the machine, means the computer need a feedback to the machine, so the machine can communicate with the computer to give its feedback. And the program in full or segment can be transferred to NC machines. Means if you want to transfer a partial program or a segmented program, so then you can transmit it with the help of these systems. So computer can be used for program editing, जैसे कि पुराने केस में था, CNC के केस में था, वहाँ भी क्या था, कंप्यूटर यूज़ करते थे हम प्रोग्राम एडिट करने के लिए. यहाँ भी हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को एडिट करने के लिए. सो देर इज़ नो नीड ऑफ टेप रीडर्स, देर इज़ नो नीड ऑफ टेप रीडर्स और एनी हार्डवेयर फॉर दिस सिस्टम. सो नो लिमिटेशन फॉर द नंबर और साइज ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड. यू कैन स्टोर अ मल्टीपल प्रोग्राम इन अ सिंगल कंप्यूटर, देर इज़ नो नीड ऑफ अ टेप. So we can configure the DNC system in two categories, the DNC system without satellite computer, DNC system with satellite computer. Satellite computer means a person which is sitting in a different location and the machine is placed in a different location, so we can use the satellite computer to communicate with that machines with computer. तो यहाँ सेटेलाइट कंप्यूटर के साथ भी और सेटेलाइट कंप्यूटर के बिना भी हम उसको इन हाउस बना सकते हैं, या फिर यह एक लोकल सर्वर हम बना सकते हैं, या फिर एक नेटवर्क भी हम उसमें बना सकते हैं. सो बेसिकली द सेटेलाइट कंप्यूटर्स आर द मिनी कंप्यूटर एंड दे सर्व टू टेक सम ऑफ द बर्डन ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर. ईच सेटेलाइट कंट्रोल्स सेवरल मशीन्स टूल्स. So this is a DNC system without a satellite computer. So this is a basic setup of a DNC machine, which we have discussed earlier in a
previous slide. So this is all about the DNC system. So what are the functions of a DNC system? So the functions which a DNC system is designed to perform is NC without pun step, NC part program storage, data collection, data processing, and the data reporting. Means the telecommunication lines are used for the data collection, its processing, and its reporting. And the fourth is the communication in between the computer and the in between the server computer and the machine tools. So this is the advantages of a DNC system. So what are the advantages of a DNC system? First of all, the elimination of punched tape and tape readers. सबसे पहला क्या है कि elimination हुआ है किसका, punched tape का, tape readers का, जो कि NC system में use होते थे और वो काफ़ी bulky होते थे और सबसे बड़ी problem होती थी उनको storage करने में. क्योंकि हमें अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है और वो प्रोडक्ट हमें बाद में सपोज़ एक साल बाद या दो साल बाद बनाना है, तो हमें दोबारा उन टेप रीडर्स की रिक्वायरमेंट होती थी और उन टेप रीडर्स को हमें स्टोर करके रखना होता था. सो यहाँ उन चीज़ों का एलिमिनेशन हो गया है. हम जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को हम बल्क जो मेमोरी है उसमें स्टोर कर सकते हैं और एक नहीं मल्टीपल प्रोग्राम हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. तो हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं किसको, पंच टेप्स को और टेप रीडर्स को. सेकेंड इज कन्वीनियंट स्टोरेज ऑफ एनसी पार्ट प्रोग्राम इन कंप्यूटर फाइल्स. ये जो फर्स्ट जो एडवांटेजेस था उसी के साथ ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं, एनसी पार्ट प्रोग्राम को. थर्ड इज द ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. एक सिंगल सर्वर कंप्यूटर है, अलग अलग मशीन्स हैं, एक कंप्यूटर के साथ थ्रू कम्युनिकेशन लाइन हम किसी भी एनसी टूल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग. हमें बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, चीज़ें सैम्पल हैं. सो देर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी और एंड ग्रेटर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़, है ना. नेक्स्ट इज द रिपोर्टिंग ऑफ शॉप परफॉर्मेंस. मीन्स वी कैन कलेक्ट डेटा, वी कैन प्रोसेस डेटा, एंड वी कैन रिपोर्ट द डेटा. सो द डेटा इज रिपोर्टेड बाय द मशीन टूल टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द टेली कम्युनिकेशन लाइन्स. So we can reporting the performance for a shop. So it is very useful. It is very much useful. So it is only happened with the DNC system, not in a NC system or CNC system. Next is the convenient editing and diagnostic features. We can use a feedback system for a DNC system. So we can diagnosis errors. There is a number of features which are used in the DNC system or in advanced DNC system. We can edit any program through a single computer or a satellite computer or a mini computer which is installed on a machine itself to reduce the load of a central computer. So it is very much convenient to edit a program for a DNC system. So in this slide we will compare NC, DNC and CNC systems. So in a NC machine tool system, the part program is fed to the machine through the tapes or other such media. In the case of CNC machine tool system, the program is fed to the machine tool through computer. And in a DNC machine tool, we can use a satellite computer and a main computer to feed the program into a machine. Means in a DNC system there is a single computer which is used to feed the program in a different machines. In a NC machine tool system, in order to modify the program, the tapes have to be changed. But in the case of DNC system and CNC system, that program can be edited because this program is made virtually, not on the tape. So we can edit this program with the help of keyboard and a monitor, which are the input console of a CNC or a DNC system. In a NC machine tool system, the tape reader is a part of machine control unit, whereas in a CNC or a DNC system,
In a CNC system, the microprocessor or a mini computer forms the machine control unit. The CNC machine does not need any kind of tape reader. Or in a case of DNC system, the large memory of DNC allows it to store a large amount of part program. In the case of NC machine system, the system has no memory storage, and each time it is run using tape, and we need to store these tape in the storeroom so that we can use this particular tape in a further operation. In the case of CNC machine tool system, it has a memory storage ability in which the part program can be stored. In the case of DNC system, some part program can be run on different machine at the same time, or we can run a partial program, not a full program, and a partial program in a particular machine. In a machine tool system, it cannot import CAD file, simple, because it has no computer. But in the case of CNC machine tool system, it can import CAD files and convert it into a part program. In the case of DNC machine system, the data can be processed using the MIS software so as to effectively carry out the production planning and scheduling. In the case of NC system, it cannot use feedback system, but in CNC system, the system can use the feedback system. In NC machine tool system, they are not software driven, whereas the CNC machine tool system, these system are the software driven. So these are the basic difference among the NC, CNC and DNC system. हमें जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जनरली एनसी जो सिस्टम्स हैं वो अपसलीट हो चुके हैं. अब जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं वो सीएनसी सिस्टम्स हैं या डीएनसी सिस्टम है. इसके अलावा मशीनिंग सेंटर्स हैं, वर्क सेंटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं किसी भी एनसी मशीन को टूल के साथ, जो एक प्रोडक्ट को ईजिली बना देता है. कई सारे एडवांटेजेस हैं सिस्टम्स को यूज़ करने के. सो दीज ऑल आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी मशीन टूल which we have learned in this particular lecture. So thank you very much.